नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो नए ब्लॉग में। दिन की शुरुआत हो चुकी है, बड़ी रिलैक्सिंग सी शुरुआत है। नोबिता घूम फिर के आ गया है, मैंने अपना ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर दिया है और अभी के लिए फिलहाल मेरे पास ब्लॉगिंग ही है जो मेरा रोजगार है। अभी और कोई जॉब नहीं है, जॉबलेस हो गया, आपने पिछले ब्लॉग में देखा है। तो आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, जिस दिन का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि मैं ससुराल कब जाऊंगी। तो आज मैं जा रही हूँ ससुराल, और वैसे अभी मेरी एक फ्रेंड की शादी है कुछ दिनों बाद, तो मुझे वापस आना है, इसीलिए मैं ज्यादा सामान नहीं लेके जा रही। तो उसके बाद मैं और गिरीश जब साथ में आएंगे फिर मैं अपना बाकी का सामान जो मुझे चाहिए वो ले जाऊंगी। लड़कियों का बहुत ये दिक्कत रहती है, अब सामान इतना सारा है मेरा, गर्ल्स का सामान वैसे ही बहुत होता है, ज्वेलरी, मेकअप, फिर और जरूरत की चीजें, हर चीज बहुत ज्यादा होती है। मतलब अगर दो दिन के लिए भी कहीं ट्रैवल करना है तो बहुत सामान साथ में कैरी करना पड़ता है, तो ये दिक्कत तो हमेशा रहती है। तो अभी मैं कुछ सामान लेके जा रही हूँ, कुछ मैं फिर बाद में लेके जाऊंगी। तो अभी बस मैं तैयार होने लगी हूँ जाने के लिए। तो इधर दीदी आप क्या कर रहे हो? अच्छा, क्या बनाओगे इससे? नमक हल्दी लगा के रखूंगी। अच्छा, तो आप मुझे मिस करोगे? मैं जा रही हूँ, कैसा लग रहा है आपको? नहीं करोगे मिस? और इधर हमारा नन्नू, नन्नू हमारा स्कूल से आधी छुट्टी लेके आ गया, इसका पेट दर्द हो रहा था तो फोन आया स्कूल से कि भी आपका बेटा बीमार है, ले जाओ उसे। घर आया, आते ही चेंज करके टॉयलेट में घुस गया, और ना टॉयलेट में जाके उसके बाद ये ठीक है और अब ये खेल रहा है। हैं, इतना बहानेबाज है देख लो ये। हाँ, तो नन्नू कैसा लग रहा है? मैं जा रही हूँ आज, अच्छा लग रहा है, अब कोई डांटने वाला नहीं होगा, अच्छा लग रहा है। हाँ, अब कोई पढ़ने के लिए नहीं कहेगा, वैसे तो दीदी भी कहती है। चलो, दो डांटने वालों में से एक डांटने वाला कम हो गया। वो बताना था ना सबको कि भी ये 50 रुपए दिया था प्यार। अभी कुछ दिन पहले मेरी वर्ल्ड डांस डे की परफॉर्मेंस थी, तो मैं रेडी होके कॉलेज गई थी, कहीं जा रही थी, तो यार आप कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होके? दीदी आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं मेरे ससुराल जा रही हूँ, मैंने जॉब छोड़ दी है। तो कहता ये गया फटाफट अंदर से अलमारी से ना अपने अपनी सेविंग में से 50 रुपए लाया, इसके पास वही 50 रुपए थे, और मुझे दे के रोने लग गया। कहता आप अपने लिए गिफ्ट ले लेना दीदी कि आप जा रहे हो अभी। तो अब मैं सच्ची में जा रही हूँ आज, ठीक है, मुझे मिस करना। 50 नहीं, 500। कहता अब मैं 50 नहीं, अब मैं 500 दूंगा, नहीं चाहिए मुझे। तुम अपने लिए चीजी ले लेना और अच्छा अच्छा पढ़ना, ठीक है, और मुझे फोन करते रहना, ठीक है, ओके। और मम्मा का पापा का ध्यान भी रखना, दीदी का भी रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। मर्द नहीं हूँ। फिर क्या है, मर्द नहीं है तो काका थोड़ी है, काका छोटा होता है, काका वो होता है जो ऐसे गोदी में घूमता है। तुम मर्द हो, तुम बड़े हो, चलते हो, खुद खाते पीते हो। ये देख लो दोस्तों, ये क्या कह रहा है आप ही बताओ, ये कह रहा है कि मैं मर्द नहीं हूँ। अब ये ऐसी बातें करना शोभा देता है क्या इसे? तो अभी चलो देखते हैं मम्मा, मम्मा क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। मम्मा हमेशा की तरह मेरी मम्मा रसोई में है। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको मम्मी आज मैं जा रही हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है। काम नहीं करना पड़ेगा, है ना? मैं बहुत खिलारा डालती थी घर पे, और मम्मी तो बहुत सारा करना ही पड़ेगा, पर बुरा भी लग रहा हैगा कि एक जॉब छोड़ के तो जा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा मन को, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। कोई नहीं, अब आगे और हाँ। और काम करेंगे, देखते हैं क्या करना है। थोड़े बहुत हो तो फिर नहीं, पर है ना पहले बंदे को ना अपना अरेंज कर लेना चाहिए और कहीं जॉब करके, तो फिर आगे वाली छोड़नी चाहिए। कभी भी सभी को मैं कह रही हूँ, पहले अपनी जॉब का अरेंज करो फिर दूसरी वाली छोड़ो, ये नहीं कि तुम जॉब छोड़ के फिर जॉब ढूंढोगे, नहीं ऐसा नहीं है। कई बार रिस्क भी लेना ही पड़ता है, क्या पता कुछ और अच्छा होना हो। नहीं वो तो चलो ठीक है, पर ये भी अच्छा ही था, कोई बुरा नहीं था। ठीक है, हर एक चीज में हमें लेना चाहिए, यानी
कि इम्तिहान देने चाहिए अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे, फिर बंदा आगे से आगे आगे से आगे बढ़ता है। ठीक है ना, तो जो होगा अच्छा ही होगा। अभी तक अच्छा काम किया, आगे भी अच्छा ही होगा जो होगा। हाँ, अच्छा ही होएगा। तो चलो अपना ध्यान रखना वैसे। हाँ, पर अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ के जा रही है। अजीब सी फीलिंग आ रही है अंदर, हो रही तरह अजीब सा हो रहा है। इतना तो तब भी नहीं आया था जब शादी करके गई थी, तब पता था ना कि वापस आ जाऊंगी। हाँ, और अभी अब जा रही हूँ तो फिर से आऊंगी। वैसे तो आती रहूंगी। नहीं, वो तो नहीं बात है, आती रहूंगी या क्या, यार तुम्हारा घर है, जब मर्जी आओ। पर मैं वैसे कह रही हूँ कि कुछ अजीब सा लग रहा है, यानी कि पता नहीं, यानी कि क्या निकल रहा है अंदर से। सैड फील आ रही। हाँ, बहुत उतरा हो रहा है। चलो कोई नहीं, हर लड़की को जाना होता है। हाँ, होने से पहले मैं ये अपने कपड़े हैं मेरे कुछ हैवी कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल, ये सभी अभी वॉश करके और इनको रख के फिर मैं नोबिता को नहलाऊंगी, फिर खुद रेडी होंगे। सामान सारा मैंने गाड़ी में रख लिया है और अब लगी हूँ मैं जाने। गिरीश के बार बार फोन आ रहे हैं कब आओगी कब आओगी, तो अब मैं निकलने लगी हूँ। और गिरीश पता मुझे फोन करके कह रहा मेरी बात करवा दो, नहीं तो मैं भी साल में एक बार बात करवाया करूंगा बर्थडे के बर्थडे, तुम देखते रहना। मैं नहा रही थी और वो फोन कर रहे थे। चलो ठीक है, कितनी अच्छी हवा चल रही है। हाँ, चलो बाय दीदी। आप भी याद रखना। बाय रिशु, ध्यान रखना। दीदी आपके हाइट जितने हो गए रिशु भैया, जब तक आप आओगे देखना आपके जितने हो गए। आ जा जफ्फी पप्पी कर ले, जफ्फी पप्पी। ओह माय गॉड, गिरा मत आना मुझे आज। नहीं प्यार देना दीदी को। नहीं नहीं मोयो होई ओ मी। चलो ध्यान रखना अपना, ठीक है, और पढ़ लेना, मस्ती मत करना, ज्यादा फोन नहीं देखना, ठीक है। ओके, समझ में आ गई बात पक्का? ठीक है, मैं फोन करके पूरा तुम्हारी रिपोर्ट लेती रहूंगी। तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, हंसने की बात नहीं कर रही मैं। चंगा भाभी, चलो टेक केयर, ठीक है, ख्याल रखो, बाय अनी, बाय। इतना ही चलती है, चल रही है मिलने, चल रही है। चलो बाय बाय किकी, चलो। नोबिता अपनी सीट पकड़ के पहले बैठ गया, इसको डर लग गया कहीं मेरे को ना छोड़ के चली जाए मम्मी, मैं पहले सीट पकड़ लूं अपनी, है ना। हाँ, वो देखो बाई तो कर दो उधर, नानी मम्मा को, नन्नू को बाई कर दो, ठंडा है पानी गिल्ला। चलो नोबिता बाय, नोबिता नानी को बाई कर दे, बाय बाय बाबू। छेती है जी के तोर के आ गई, ठीक है, बाय जर्नी। थैंक यू, जल्दी मिलेंगे फिर से। जाते जाते रास्ते से भेलपूरी ले रही हूँ खाने के लिए। नोबिता देखो कैसे खड़ा होकर चेक कर रहा है, बाहर देख रहा है। क्यूतू मेया क्यूतू बच्चा, मेया क्यूतू बच्चा, चौथा चा नोबिता मिया बोला बच्चा, कहाँ देख लो मिला बच्चा, खांची आई है, खांची आई है नोबिता को। पटियाला के लिए निकलो और जाम ना मिले, ऐसा तो बहुत रेयर होता है, तो फिर से मैं जाम में फंस चुकी हूँ। और इधर हमारा नोबिता भी थक चुका है, बोल ओला मिला बच्चों, मैं चौथा चौथा की होती पाई।
बाबू पहुंच गया है अपनी दादी हाउस है। नोबिता कैसा लग रहा है मेरे बच्चे को है? वेलकम जी आपका हमारे घर में आने के लिए, और सभी ने ब्लॉग देख ही लिया होगा। थैंक यू इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। और इधर अभी हम चीजियां खा रहे हैं। यस, पटियाला के फेवरेट समोसे प्रभ के उपल चौक के, हम बहुत खाते थे गाड़ी में बैठ के। यहाँ से ले लेते थे फिर खाते रहते थे, है ना। और नोबिता देखो, नोबिता पूरा खुश नहीं है अभी। नोबिता अभी कंफर्टेबल नहीं हुआ यहाँ पे, बहुत टाइम बाद आया है ना, छुपा रहा है मुंह बना। चलो जी खा लो जी। सास बहू बैठ गए एक साथ। आगे बहुत इनकी खतरनाक खतरनाक वीडियोस आने वाली हैं। तो मम्मी आपको कैसा लगा कि प्रभ वापस आ गया घर में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, फिर आप रो क्यों रहे थे? और खुशी से आंसू होते हैं पागल। अच्छा, खुशी के आंसू होते हैं। तो बता दिया करो ये खुशी के आंसू थे, ये रोने वाले आंसू थे। खुशी के आंसू थे। अच्छा, आप दोनों एक साथ बैठ के समोसे खा रहे हैं। मैं भी खाऊंगा आज तो एक समोसा। चीटिंग चलती है अब तो मैं खाता पीता हूँ, है ना। खाना चाहिए ना मेरे को, कभी कभी खा लेना। और ऐसे खाना चाहिए कि हमेशा खा सको, एकदम इतना भी नहीं खाना और एकदम इतना छोड़ना भी नहीं। नहीं अब तो मैं थोड़ा थोड़ा खा ही रहा हूँ, है ना मम्मी। चावल भी खा रहा हूँ, आलू भी खा रहा हूँ, अब मैं खा रहा हूँ सब कुछ। पर एक्सेस में नहीं खाता कभी भी। अगर मैं चावल खा रहा हूँ तो एक रोटी कम खाता हूँ। जैसे अभी मैंने समोसा खाना था तो मैंने दो ही रोटी खाई थी, तो मम्मी कह रही थी तीसरी खा ले, मैंने कहा नहीं छोटी थी रोटी भी बड़ी नहीं। चल खा। ये देखो नोबिता थोड़ा उदास सा लग रहा है भाई नए घर में आके। नोबिता ओ वही तो घर है ये। नोबिता चल चलिए। और कुछ सुनो ना सुनो, चलो चलिए जरूर सुनता है ये, है नोबिता। ये देखो मम्मी को गिफ्ट मिली है जुतियां, के लो सासू माँ जी जुतियां, अब इसी से मारना। है अपने आप ही चुन के ले आई कोई हल्की हल्की जुती। ये ज्यादा सुंदर नहीं है, उल्टी तो नहीं है? नहीं नहीं, नहीं ऐसी लगती होती है। ये किसी भी पैर में पहन सकते हैं, ऐसा होता है। आपको मम्मी के साइज पता था पैर का? हमारा सेम साइज है। एक अच्छा ये भी पा सकते, मैं भी पा सकती हूं। ये इसके साथ अच्छा भी लग रहा है मम्मी, सूट के साथ। ये सारे सूट के साथ अच्छा। वो वाला पहन के देखना, वो वाले वाला टाइट लग रहा है, ये वाला बिल्कुल फिट है। वो एक आधी बार पहनोगे ना फिर हो जाएगा। सही है। या इसके साथ सही है, इसके साथ मिल गया। हाँ मेरे को तो दोनों सही लग रहे। वो नीचे सलवार के साथ मिल गया था। सही है सुनाया। पापा को पूछ देखो कैसे हिल रही है छोटी छोटी। पूछी ठीक ठाक हो? मम्मी पापा ठीक हैं? तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।